वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। प्यारी साध संगत जी, ए जो मूल मंत्र है निरंकार ने बख्शा है। गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने कि गुरप्रसाद तक धुरों बख्शा गया है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह दे गुरु आप निरंकार हन। उन्होंने ही गुरु नानक साहब नूं गुरप्रसाद तक बख्शिश कीता। जदों गुरु नानक पातशाह ने अगे उपमा कीती, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, तां इत्थे एका लाया। फिर अगे सारी साध संगत नूं बख्शिश होया, गुरप्रसाद तक उन्हां नूं मिलिया सी। गुरु नानक पातशाह तां आप पूरन ने, परमेश्वर ने अते सब ब्रह्म ज्ञानियां ने भी कहा है कि मूल मंत्र नानक होसी भी सच तक है, गुरप्रसाद तक नहीं है। यह गलत धारणा है। इत्थों तक जपिया सानू इसका कोई लाभ नहीं है। यह एक सर्वशक्तिशाली मंत्र है। जिहड़े यह धारणा देंदे ने कि मूल मंत्र गुरप्रसाद तक है, ना वो आप जपदे ने ना जपन देंदे ने। किसी महापुरख ने गुरु नानक पातशाह तो सब पुछया। उन्हां महापुरखां पहला गुरप्रसाद तक 1.25 लाख पाठ कीता सी। एक मनुख ने वह महापुरखां नूं पुछया, जे मैं यह पाठ करना होवे 1.25 लाख पाठ, तां मैं 40 दिन विच 2.5 लाख पाठ कर सकता हाँ। कहिंदे इह छोटा है तां करके। महापुरख कहिंदे, ना ना, तूं यह गलती नहीं करनी, तू ऐदां नहीं करना। जो असी गलती कीती है वह तू नहीं करनी। गुरु अर्जन देव जी ने उस महापुरख नूं कहा, तू एक ही गलती कर ली है, ये तां नानक होसी भी सच तक है, ये तुहानूं इत्थों तक बख्शिया गया है। गुरप्रसाद तक तां असी पढ़ना है। जे किते असी गुरप्रसाद तक लिखिया होया है तां नाल शब्द भी लिखिया होया है। जे शुरू च लिखिया है तां एका लाया होया है। अगे जिन्नी वार लिखिया है नाल शब्द है, नाल फिर पूरा शब्द पढ़िया करो। जां कई जगह ते श्लोक लाया होया है, सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की एक, मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। फिर कहिंदे नाल दो पंक्तियां फिर होर पढ़ लिया करो। जे एका लग जे तां उन्हें पूरा नहीं होना, तुसी ये नहीं पढ़ना। गुरु साहब कहिंदे ने जे पढ़ना गुरप्रसाद तक फिर नाल एक होर श्लोक ला लवो कोई भी, जां फिर तुसी पूरा मूल मंत्र जपो नानक होसी भी सच तक। यह पूर्ण मूल मंत्र है। इस करके कहिंदे ने ब्रह्म ज्ञानियां नूं तां परमेश्वर खोजदा रहिंदा है। मूल मंत्र विच अथाह शक्ति है। कई लोग मूल मंत्र पहला ही शुरू कर लेंदे ने। तुसी 1.25 लाख मूल मंत्र शुरू कर लेना है ते गुरु नानक पातशाह दे गुरपुरब ते भोग पाउणा है, देग बना के अथाह फल प्राप्त होवेगा। जां गुरपुरब तो आरंभ कर लवो जां उस दिन भोग पा लवो। यह पक्की गल है प्यारियो, जिस दिन गुरपुरब हुंदा है वह बहुत किरपा वाला दिन हुंदा है। बेशक पंथक तौर ते आपां नूं जिहड़े दिन मिले हन वह मनाओ, पर दूजे दिन भी पुरातन समय अनुसार मनाओ। सतगुरु सच्चे पातशाह बहुत बख्शिश करदे ने। अज भी जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ी जाओ, अज भी सफल ही सफल है। प्यारियो, जिवें असी वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाने हां, इसे तरह ही मूल मंत्र जपी जाना है। एक हुंदा है मूंह नाल पढ़ना, एक हुंदा है मन नाल पढ़ना। मन नाल तां इदां पढ़ीदा जिदां किसे नूं डिक्टेशन दिंदे आ, जिवें सानूं मास्टर लिखाउंदे हुंदे सी। इहनूं हौली हौली पढ़ना है, मन नूं थोड़ा
विचारन दा मौका दिया करो। सहज धीरज नाल चलो, मन दे अंदर विचार लिया के एक ओंकार नूं, फिर सहज नाल सतनाम, फिर ए विचार लिया, फिर करता पूरख, फिर एक नींह बन जांदी है, टिकाऊ बन जांदा है। जिवें कोई बिल्डिंग उच्ची हुंदी है ओनी ओ थल्ले हुंदी है। इसे तरह पहला तुसी अपनी नींह नूं तगड़ा करो। पहला जिहड़ा तुसी तेज तेज मूल मंत्र पढ़िया सी ओह मूंह नाल पढ़िया सी, हुण मन नाल थोड़ी जी विचार करके जपो, टिकाओ रख के, फिर देखियो प्यारिओ परमात्मा किवें थोड़े ते किरपा करदे ने, किवें तुहानू मूल मंत्र दे अथाह फल प्राप्त हुंदा। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਜਾਪ ਕਰ ਲਏ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਭੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪਹੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।